हेलो फ्रेंड, आज बहुत दिन बाद एक ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी नामसाई में हूँ। तो अभी घूमने जाएगा, सब नज़ारा दिखाएगा नामसाई का। ये है बेटी, तो अभी घूमने जा रहे हैं, तो इसका नज़ारा आज क्या क्या होगा, कैसे होगा दिखाएगा सब देखते रहेंगे इसकी। तो ये है गाड़ी जिससे हम लोग आज जाएगा घूमने, और जितना यहाँ का नामसाई एरिया का देखने लायक टूरिस्ट प्लेस है उसे दिखाऊंगा। जो जो देखना चाहेगा प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। पूरा हमारा फैमिली निकल रहा है अभी, तो सुबह का 8 बजे, आज अभी लगभग 8 बज गया, तो देखते हैं। इतना लंबा सफ़र है, कोई कोई तो सो भी रहा है, लेकिन भी देखना ही पड़ेगा जिस चीज़ के लिए निकला है। सब बोरिंग लग गया, लेकिन जगह पे पहुंचने से शायद सबको एनर्जी आ जाएगा। ड्राइवर भी बोरिंग हो गया। ड्राइवर तो कैसे बोरिंग हो गया, गाड़ी चलाने वाला तो बोरिंग नहीं होने। हाथ घुरी पूरा टंगा हो रहा है। देखिए नामसाई का रास्ता इतना सुंदर है, यहाँ का जितना पब्लिक लीडर है, पॉलिटिशियन है, इतना समझदार है, अच्छा काम करते हैं। खास हमारा पार्टी का यही होता है, ये तो फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत अच्छा है। जब बड़ा हो जाएगा वेलकम। ये है गोल्डन पगोडा, तो अभी पगोडा देख के आएगा। मैंने तो पहले देख लिया, लेकिन मेरा फैमिली वाला नहीं दिखा इसलिए। तो यहाँ एंट्री के लिए पहले टिकट ले लेना पड़ता है। बच्चे दोनों जी। यहाँ कोई टाइम होता है क्या, टाइमिंग? ना, एकदम 6:30 तक। 6:30 सुबह का? सुबह 6:30 से शाम का 6:30 तक ना। अच्छा, तो जैसा कि आपने देखा, सुबह का 6:30 बजे से शाम का 6:30 बजे तक ओपन रहता है। तो आप लोग जो विजिट करने आएगा, 6:30 सुबह का 6:30 AM से शाम का 6:30 PM तक आ सकता है, तभी खुला रहेगा। उसके बाद बाकी समय तो बंद रहता है, अभी के वही शेड्यूल है। नैन्सी, ये है मेन टेंपल, जो गोल्डन पगोडा का मेन जो टेंपल है। वाओ, ये है अंदर इंटीरियर गोल्डन पगोडा का। ये बुद्ध का स्टैचू, इसको यहाँ पे प्रे किया जाता है सब। और थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड एरिया भी है ये फोटो वीडियो के लिए, लेकिन जल्दी जल्दी ले रहा हूँ मैं। यहाँ बहुत लोग विजिट करने आता है। छोटा वाला एक और यहाँ पे मछली। ये लास्ट पार्ट है गोल्डन पगोडा का, पीछे वाला, वहाँ पे एक जैकफ्रूट का पेड़ है, उसमें फल लगा, पूरा थक गया। वो देखो, वो भी पूरा इतना विजिटर्स आ रहा है, यहाँ दिन भर ऐसे ही आता है आदमी। अभी गोल्डन पगोडा का दर्शन हो गया, निकलेगा अभी दूसरा जगह जाएगा, तो यहाँ रेस्ट कर सकता है थोड़ा सा। बाहर कोई बनाया है कुछ, जहाँ इतना विजिटर से टूरिस्ट लोग है, बैठ सकते हैं। खाना सोना खा के, ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट, ये है नया जगह। तो ये काउंटर है,
इसमें कुछ फॉर्मेलिटीज होना है। टिकट काट दिया हूँ। अच्छा, कैसे लेते हैं इसका? 30 पर मेंबर। तो और टाइमिंग इसका? टाइम टाइम नहीं, एनी टाइम आ सकते हैं। अच्छा, अनलिमिटेड है तो एनी टाइम आ सकता है पर मेंबर 30 रुपीज़ करके। जगह तो बढ़िया है। वाह, ये चौकाम से बहुत अंदर जाके ये जगह मिलता है, बहुत ही बढ़िया है। शाम और सुबह को तो शायद और भी बढ़िया हो गया है। इसका जो एनवायरनमेंट है इसको देख के तो लग रहा है शाम और सुबह को ही अच्छा रहेगा। तो बच्चा के लिए भी यहाँ, किड्स के लिए खेलने के लिए कुछ कुछ अरेंजमेंट कर दिया है। शुरू हो गया। जोर से नहीं, गिरने से प्रॉब्लम हो जाएगा। इतना दूर में आ गया। मैं भी चाहूँगा आप लोग जितना सब्सक्राइबर है मेरा यहाँ एक बार विजिट करें। ये पीछे वाला पोर्शन है, यहाँ पीछे एक नदी है, वहाँ भी जाऊँगा दिखाऊँगा। यहाँ रेस्ट भी कर सकता है। ये घर शायद उनका किचन होगा, मुझे तो अंदाजा से वही लग रहा है। यहाँ खाने पीने के लिए कुछ भी मिल जाएगा। ये इसका लास्ट जो पीछे वाला पार्ट है, शाम को आएगा तो और बढ़िया लगेगा। रे, मैं तो पूरा दिन में आ गया, अभी अराउंड 1:30 o'clock हो रहा है। तो बहुत गर्म भी है, पानी तो फ्रेश है। देखने के लिए तो बहुत कुछ है यहाँ, तो काफ़ी गर्म हो गया। थोड़ा रेस्ट करेगा अभी, थोड़ा आराम कर लेता है, बहुत गर्म हो चुका है। देखता है क्या क्या मिलता है यहाँ। और ये एक पार्ट है, इतना सुंदर, इसको देख के तो नहाने नहीं लगता, बहुत ही सुंदर है। ये इसमें ये सोलर से ये जो सेंटर है तो चलाया जाता है, तो सब सोलर प्लेट यहाँ पे। तो फोटो वीडियो तो यहाँ लेगा सोचा था, लेकिन सुना है कि कोई बताया है ये रिस्ट्रिक्शन एरिया है, तो सॉरी यहाँ पे वीडियो शूट नहीं कर सकता है। तो वाटर ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट, बाय बाय टाटा। तो यहाँ से निकल रहे हम लोग, अभी दूसरा जगह जाएगा। तो फिर अभी दूसरा जगह पहुंचा है, ये है सांके रिसोर्ट। ये भी यही चौकम के सामने में है, चौकम को जस्ट पार करके। तो यहाँ भी अब आ सकते हैं घूमने के लिए। गाड़ी पार्किंग का जगह वहाँ है बाहर। ये भी मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन सुनने को तो आया है कि बहुत सुंदर जगह है, ये भी घूमने के लिए अच्छा जगह है। तो आज देखते हैं इसका नज़ारा कैसा होता है। तो यहाँ एक ब्रिज है, इसको पार करेगा। वाह,
यहाँ आए तो एकदम एक्स्ट्रा अपना कपड़ा लेके आना है, नहाना है बढ़िया से। मैं अफसोस कर रहा हूँ, यहाँ तो एक्स्ट्रा कपड़ा लाया नहीं है। वाह, तो यहाँ जहाँ आदमी आएगा वो बैठने के लिए सब के लिए अरेंज करके रखा है। सांके रिसोर्ट किसे कहते हैं, सांके रिसोर्ट बहुत ही बढ़िया जगह है। अच्छा लगा है, लोकल झूलना। तो वहाँ तरफ भी एक केबिन है, यहाँ भी है। इतना सुंदर से कुर्सी बनाए टायर से, टायर को पेंट की। तो अभी लंच के लिए रुका हुआ है, सब रेस्ट कर रहा है फैमिली वाला। इसे तो थोड़ा हाईलाइट हो गया, कोई कोई तो ड्रिंक्स ब्रेक भी ले रहा है, इतना दिन में नहीं सकेगा। भूखा शेर बन गया सब। नजारा तो अच्छा था। रिसोर्ट में जरूर आना और जैसे भी विजिट करना, बहुत बढ़िया है सांके रिसोर्ट। अभी हमारा खाना भी आ गया। वाओ, बेम्बू शूट के साथ में फोक मीट। हाँ चलो सब रेडी करो। ओ, पानी भी दे बैठे और एक दो बोतल लेके आओ। बैठो बैठो, अच्छा से झूलना भी है वहाँ, फिर एक नदी है साथ में। काफी मस्ती है और बढ़िया जगह है ये भी। सांके रिसोर्ट से अभी निकल रहा है, हो गया दूसरा जगह फिर जा रहा है। अभी लास्ट एक डेस्टिनी है हमारा, तो ये उसी पे जाएगा, वही जगह में गाड़ी। तो देखते हैं और भी चलते हैं लास्ट हमारा डेस्टिनेशन को जगह की ओर। चाय का बगान ऐसे होता है ये नाम चाय का। सब रास्ता में जितना अभी एरिया है मैक्सिमम 80% चाय का गार्डन है, टी गार्डन। और जहाँ हम लोग जाना चाहते हैं उसका रास्ता ये है। बहुत सुंदर नज़ारा है,
स्टैचू, बड़ा स्टैचू उसको देखने जा रहे हैं। तो सब बोरिंग लगे सुबह से जा जा के, लेकिन हम लोग का ड्राइवर जी जो तगड़ा है अभी तक सरेंडर नहीं हुआ है। एकदम चिंता नहीं है, चिंता नहीं तक जाएगा, बोलेगा उधर तक लेके जाएगा आराम से जंपिंग भी नहीं मरेगा। तो दोस्तों आज का सफ़र का ये लास्ट डेस्टिनेशन है, तो अभी ये अपना डेस्टिनेशन में पहुंच चुका है। तो आज का लास्ट डेस्टिनेशन है ये जो बुद्धा है उसका स्टैचू, इतना बड़ा स्टैचू है, शायद ये तो हमारा एरिया का सबसे बड़ा स्टैचू होता होगा। तो एक बार मैंने आया था, अभी दोबारा आ रहा हूँ अपना फैमिली के साथ में। तो देखिए इतना बड़ा सुनने को आया है कि इसमें 180 फीट का ये हाइट है इसका, बहुत बड़ा है। और नीचे जो पुजारी वगैरह है उनका रहने के लिए घर भी है। तो चलिए देखिए आज का हमारा लास्ट डेस्टिनेशन को। तो स्टेप यहाँ से शुरू होता है और ऊपर जाके स्टैचू इतना ऊपर, बाप रे। और ये एकदम बिल्कुल घने जंगलों के बीच में है, एकदम जंगल है, कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि ये जंगल का अंदर इतना बड़ा एक मूर्ति है बुद्ध का। तो अभी होते होते शाम हो गया, अभी घर जाना पड़ेगा लास्ट डेस्टिनेशन को देख के। वाह, यह भी नामसा एरिया में पड़ता है इसका लोकेशन। तो जो पूरे चेक गेट है, एक टी गार्डन है सामने, वहाँ से जाते हैं, वहीं से अंदर इसका रास्ता आता है। अगल बगल में किसी को पूछ लेगा तो इसका लोकेशन आप लोगों को मालूम चल जाएगा। बड़ा है ना नैन्सी, बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा है। हाँ तो फ्रेंड आज के लिए मेरा वीडियो यही एंड होने जा रहा हूँ, और यही करना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो जितना डेस्टिनेशन था हमारा सफर था यही पे ख़त्म होता है। तो मैं अपने घर की ओर जा रहा हूँ। मैं भी आप लोगों को भी बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, नहीं लगे तो भी प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।